वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मनोज कुमार सिन्हा। आप लोग देख रहे हो मुझे ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं घर में हूँ, तो घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो अभी मेरे साथ मेरे भाई भी है। तो गाइस थोड़ी देर बाद मैं और मेरी दादी को लेके डॉक्टर के पास जाना भी है। तो अभी नहा तो लिया, थोड़ी देर बाद तैयार होंगे। तैयार होने के बाद आप लोग उससे बात करेंगे। तो चलो। तो गाइस अभी रेडी हो गया, देख सकते हो। तो अभी दरवाज़ा बंद करते हैं, चाबी लगा लेते हैं। और गाइस चाबी लगा तो लिया। तो अभी मामा के घर जाएंगे। तो यहाँ पे गाय है, तो अभी चलते हैं माँ घर के। तो यहाँ पे देख सकते हो मंदिर। मंदिर पे प्रणाम करते हैं। A desire burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Won't you get higher, down to the wire? Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey. Where do we lie? Where you're headed? Am I going there too? I don't wanna ask why. Wanna give this a try with you. And if you wanna go, I'll follow. तो गाइस शर्ट में कुछ लग गया था, इसलिए शर्ट चेंज करके घर से आ गया। तो अभी स्कूटी तो वहाँ पर है, देख सकते हो। तो अभी दादी को लेंगे, दादी को लेने के बाद चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग डॉक्टर के पास तो आ गए, देख सकते हो। दादी वहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर है या नहीं वो पता नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। किजा ना किजा मत तुम्हें हाय गो। तो गाइस मेरे पास तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप नहीं है, इसलिए उधर आते समय भी आप लोग कुछ दिखा नहीं पाया। तो इधर ख़त्म होने के बाद हम लोग सीधा घर जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है उधर। तो गाइस कब हेल्थ सेंटर चेंज हो गया मुझे पता नहीं। 2 साल हो गया मैं इस हेल्थ सेंटर पे कभी नहीं आया, धोलाई पे। तो अभी नेक्स्ट हेल्थ सेंटर पे आ गए हम लोग, उधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं हेल्थ सेंटर। तो चलो। तो वैसे पहले वाले से तो ये वाला बहुत अच्छा है, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। पहले वाला इतना सुंदर नहीं था, ठीक है। तो ये वाला देख सकते, तो हेल्थ सेंटर का नाम देख सकते हो। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, देखते हैं अंदर क्या क्या होता है। तो अंदर का नज़ारा कैसा है। बहुत सारे पेशेंट आए हुए इधर क्या था उसका। तो मेरी दादी कहाँ गई मुझे पता नहीं। तो देखते। दादी मुझे देख सकते अंदर वाला। हमारे गांव का एक अंकल इधर है, तो उन लोग उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारे गांव का जो अंकल है वो ये रहा। ये बहुत अच्छा है अंकल, बहुत अच्छा है। अंकल के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो अंकल रहने से हम लोग का थोड़ा हेल्प हो गया। तो देखते हैं अंकल कहाँ लेके जाता है हम लोगों को। ऊपर की तरफ आ गया, तो देख सकते हो इधर। हाँ, तो गाइस ये वाला हॉस्पिटल, ये हेल्थ सेंटर तो बहुत अच्छा है। तो अभी नीचे चलते हैं दादी के पास, ठीक है। तो गाइस मैं भी और एक रास्ते पे आ गया, देखते हैं इधर कहाँ तक जाता है, किधर जैसे कहाँ जाते हैं। इधर घूम के भी कहाँ जाते हो। ऊपर का जो रास्ता है तो भाई ऊपर का जो फ्लैट है इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो गाइस मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था कि धोलाई का जो हेल्थ सेंटर है इतना अच्छा होगा। पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उधर है पहले वाला, तो ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे तो आज का नेचर इतना बहुत अच्छा है, धूप निकल के आ गया है, ठीक है। तो दादी का थोड़ा बीमार है इसीलिए उसको लेके आ गए थे हम लोग। ना गर्मी लग रहा है ना अंदर जाने पे ठंड लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बाहर आने से गर्मी, इतना गर्मी नहीं है फिर भी थोड़ा गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो अभी दादी के पास चलते हैं। और तो गाइस दादी का दवाई सब ले लिया, तो अभी घर चलते हैं। घर जाने के बाद आप लोगों से बात करें। मोटर व्लॉग से आप लोग मेरे पास नहीं है तो आप लोगों को कुछ दिखाने पाएंगे, तो घर जाके आप लोग से बात करेंगे। चलो दादी को हेल्थ सेंटर से लाते लाते 2 बज गया। तो घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद थोड़ा अभी ब्लॉग बना रहा हूँ फिर से। तो गाइस हेल्थ सेंटर आप लोग ने देख लिया होगा धोलाई का, इतना अच्छा था और मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे जो हमारे गांव में जो अंकल है वो वहाँ पे हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं, तो अंकल रहने से ही हम लोग को इतना जल्दी काम हो गया, ठीक है। जो दादी का जो दवाई है वो जल्दी मिल गया, तो अंकल को भी थैंक यू। तो ऐसा ही गाँव में जो अंकल रहते हैं ना बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस अंकल बहुत अच्छे हैं, जो हमारे गांव में जो अंकल है वो हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। जो हेल्थ सेंटर पे जाने के टाइम पे, पहला वाला जो हेल्थ सेंटर था तब भी जाते थे, तब भी हेल्प करते थे, तो आज भी हेल्प कर लिया। तो गाइस तो दादी को तो दवाई तो दे दिया, तो देखते हैं दादी अच्छे से ठीक होती है या नहीं। तो अब नहीं अच्छे से ठीक नहीं होते तो फिर से जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ठीक हो जाए, भगवान को प्रे करूँगा कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है। तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। माय यूट्यूब फैमिली।